हाय एवरीवन, आज हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो जूम 110। और ये जो स्कूटर है इसको जो है हीरो ने अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है। ये जो है काफ़ी स्टाइलिश जो है स्कूटर है 110 सीसी सेगमेंट में। इसमें जो है आपको टोटल जो है 5 कलर ऑप्शन मिल जाता है। ये वाला जो आप लोग कलर देख रहे हैं ये जो है ब्लू कलर है, और इसमें जो है टोटल आपको 3 वेरियंट देखने को मिलता है जो कि LX, VX और ZX। तो ये जो है VX मॉडल है जो कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जाना जाता है। इसका जो एक्सोरूम प्राइस है वो 75,899 रुपीज जो है इसका एक्सोरूम प्राइस है, और इस स्कूटर का जो ऑन रोड प्राइस है 90,000 के अप्रॉक्स है। और इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छा जो है माइलेज भी देखने को मिल जाता है, 60+ जो है इसमें आपको माइलेज देखने को मिलेगा। काफ़ी स्टाइलिश जो है इसका लुक है, और इसको जो है एकदम एरोडायनेमिकली जो है डिज़ाइन किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कर्व सा जो है इसमें आपको लुक मिलता है। फ्रंट से जो है काफ़ी अच्छा जो है और अट्रैक्टिव इसमें डिज़ाइन रखा गया है। तो इस वीडियो में जो है इस स्कूटर का हम लोग डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो है आप लोग इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको इंडिकेटर दिया गया है, ये जो है आपको बल्ब में मिलता है, हेलोजन बल्ब में दिया गया है। और यहाँ जो है आपको छोटा सा एक विंडशील्ड मिलता है ब्लैक कलर का, और ब्लू एलिमेंट का जो है यूज़ किया गया है, ब्लू और ब्लैक, तो काफ़ी अच्छा जो है लुक निकल के आ रहा है। यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं हीरो का आपको जो है 3D में यहाँ पर लोगो मिलता है, और जो है यहाँ आपको नंबर प्लेट का प्लेसमेंट दिया गया है। ये जो है आपको ब्लू कलर का पैनल मिलता है, और साइड में जो है आपको ग्रे कलर का पैनल भी दिया गया है। ये वाला जो कलर है आपको हर एक वेरियंट में देखने को मिल जाएगा। और जो है सबसे अट्रैक्टिव जो है इसका लुक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका जो लाइट है, हेडलाइट का सेटअप, ये जो है आपको फुल LED में मिलता है। यहाँ पर आपको जो है एच शेप में जो है आपको यहाँ पर DRL दिया गया है LED में, और यहाँ पर जो है आपको हाई बीम मिल जाता है, लो बीम मिल जाता है जो कि प्रोजेक्टर में है। तो काफ़ी अच्छा जो है लुक निकल के आ रहा है। और फ्रंट में जो है यहाँ आपको एयर वेंट्स का डिज़ाइन दिया गया है, तो ये भी जो है इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। और अगर टॉप मॉडल की अगर बात करें ZX मॉडल की, तो उसमें जो है आपको यहाँ पर कॉर्निंग लैम्प मिलता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट जो है हीरो ने लॉन्च किया है। तो ये वाला जो है काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन आपको जो है इस वेरिएंट में आपको कॉर्नरिंग लैंप जो है नहीं मिलता है। फ्रंट में जो है इसमें आपको टेलीस्कोपिक जो है सस्पेंशन मिलता है, और जो है मडगार्ड आप लोग देख सकते हैं डुअल टोन कलर में है। यहाँ पर जो है जूम का आपको एक ब्रांडिंग मिल जाता है। मडगार्ड में जो है आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर दिया गया है, और जो है इसमें आपको 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि 12 इंच के एलॉय व्हील पे माउंट है। ब्लैक कलर का आपको इसमें एलॉय व्हील मिलता है, और जो है इसमें आपको ट्यूबलेस टायर दिया गया है। फ्रंट में जो है इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग दो लीवर इसमें देख पा रहे होंगे। और जो है साइड पैनल की अगर बात करें, तो साइड पैनल से जो है आप लोग लुक देख सकते हैं। एक बार इधर से आप लोग एक बार लुक दिखाते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव जो है स्कूटर का लुक है। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है आपको इसमें स्टोरेज जो है स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल चार्जर का पॉइंट दिया गया है, USB पोर्ट, तो आप जो है मोबाइल को चार्ज करके डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हैं। बोतल वगैरह भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है, स्टोरेज स्पेस। और जो है इसका आप लोग की देख सकते हैं, ये जो है सिंपल सा आपको इसमें की मिलता है, और इसमें आपको जो है फुल डिजिटल जो है इसका मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें कि आपको लो फ्यूल इंडिकेशन, टर्न इंडिकेटर का लाइट मिलता है, इंजन लाइट मिलता है, और जो है इसमें आपको काफ़ी सारा जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं फ्यूल गेज आपको डिजिटल में मिलता है। यहाँ जो है आपको ऑडोमीटर, ट्रिप, यहाँ से जो है आप टाइम देख सकते हैं, स्पीडोमीटर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ जो है आपको रियल टाइम माइलेज का भी पता चलता है। और इसके हैंडल बार में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका पास का स्विच दिया गया है, हाई बीम लो बीम जो है आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको इंडिकेटर का स्विच, उसके नीचे जो है हॉर्न का स्विच मिलता है। और इधर देख सकते हैं i3s का आपको जो है यहाँ पर एक स्विच मिलता है, तो जो कि इस स्कूटर में आपको i3s टेक्नोलॉजी भी मिलता है। और यहाँ जो है आपको सेल्फ स्टार्ट दिया गया है, और इसका जो है आप लोग लेग स्पेस देख सकते हैं, ये भी जो है काफ़ी अच्छा लुक में आपको मिलता है। यहाँ जो है आपको एक टोइंग हुक भी मिलता है, जिसमें कि आप 4 से 5 किलो का जो है वेट इसमें आप लोग कैरी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपको प्रोग्राम FI का एक स्टिकर दिया गया है, और जो है यहाँ पर आपको फोल्डेबल फुटरेस्ट मिलता है। इधर जो है इसका साइड पैनल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है जूम का एक स्टिकर दिया गया है व्हाइट कलर में, और ये जो साइड वाला पैनल है ये आपको फुल ब्लू कलर में मिलता है। और यहाँ आपको देख सकते हैं ये जो है मेटल का आपको एक ग्रैब रेल दिया गया है, और जो है इसका आप लोग सीट देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल आपको जो है इसमें सीट मिलता है। तो इसका जो है आप लोगों को बूट स्पेस जो है एक बार चेक करा देते हैं। उसके लिए जो है आपको यहाँ पर जो है की लगाना होगा, तो यहाँ से जो है आप इसके सीट को खोल सकते हैं, और यहाँ से जो है
देख सकते हैं इसमें आपको काफी जो है डीप स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर जो है आप एक फुल साइज जो है हेलमेट को रख सकते हैं। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स वगैरह दिया गया है, फर्स्ट एड किट वगैरह मिलता है और बूट में आपको एक जो है लैंप भी दिया गया है। यहाँ से जो है आपको LED एक लैंप मिल जाता है और इसमें आपको 5.2 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिलता है, तो काफ़ी अच्छा जो है आपको इसमें स्टोरेज मिलता है। इसके जो है बूट को हम लोग लगा देते हैं और जो है आप लोग इसका जो है रेयर प्रोफाइल आप देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग रेयर प्रोफाइल देखिए, इसमें भी जो है आपको फुल LED जो है इसमें टेल लैंप मिलता है, तो काफ़ी अच्छा जो है लुक निकल के आ रहा है। और यहाँ जो है आपको फ्लेक्सिबल में इंडिकेटर दिया गया है जो कि बल्ब वाला है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर, यहाँ आपको नंबर प्लेट का लाइट, यहाँ पर जो है आपको हीरो का एक ब्रांडिंग मिल जाता है, यहाँ आपको नंबर प्लेट का प्लेसमेंट दिया गया है और जो है इसका मडगार्ड आपको फाइबर का मिलता है। यहाँ भी आपको अंदर में एक छोटा सा मड फ्लैप दिया गया है। रेयर में आपको एडजस्टेबल इसमें सस्पेंशन मिलता है। रेयर टायर सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको 100x80 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है और कंपनी जो है इसमें अभी आपको MRF का टायर जो है प्रोवाइड कर रही है। इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किक मिल जाता है और इसका इंजन जो है यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ आपको इंजन में आपको हीरो का एक जो है ब्रांडिंग भी दिया गया है और इसमें आपको जो है काफ़ी पावरफुल और रिफाइंड इंजन मिलता है। 110.9 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलता है। एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन आपको इसमें मिलता है जो कि पावर जनरेट करता है 10 PS के अप्रॉक्स और टॉर्क जो है 10.7 Nm जनरेट करता है, तो काफ़ी अच्छा जो है आपको इसमें इंजन मिलता है। और जो है आप लोग यहाँ देख सकते हैं इधर भी आपको फोल्डेबल फुटरेस्ट दिया गया है। इसके साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, तो वो भी जो है काफ़ी अच्छा फीचर है। और जो है इधर से आप लोगों को एग्जॉस्ट दिखा देते हैं। यहाँ से आप लोग इसका एग्जॉस्ट देख सकते हैं, ये जो है आपको काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन में मिलता है। और जो है इसमें आपको जो इसका मफलर दिया गया है वो जो है ग्रे कलर में मिलता है। और जो है इस स्कूटर में आपको काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, 155 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कर्व वेट जो है इस स्कूटर का आपको 108 किलो का मिलता है और जो व्हील बेस रखा गया है इसमें जो है आपको 1300 mm का व्हील बेस मिलता है। तो ये स्कूटर जो है काफी अच्छा है 110 cc सेगमेंट में। तो अगर आप भी 2023 में एक न्यू स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप जो इस स्कूटर को देख सकते हैं, काफी अच्छा प्राइस पॉइंट में आपको ये स्कूटर मिल जाता है। ये स्कूटर जो है हमें अवेलेबल कराया है हदीस ऑटोमोबाइल्स पालोजोरी देवघर झारखंड से। तो अगर आपको भी कोई हीरो का स्कूटर या बाइक लेना है तो आप जो है शोरूम में विजिट कर सकते हैं। और जो है इसका आप लोगों को एक बार जो है एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं। तो पहले जो है हम लोग स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका जो है आप लोग हेडलाइट का सेटअप भी एक बार देख लीजिए। ये जो है आपको लो बीम में प्रोजेक्टर मिलता है और यहाँ पर जो है आपको हाई बीम में यहाँ पर नॉर्मल सा LED लाइट दिया गया है। और जो है इसका आप लोग एग्जॉस्ट का साउंड अब एक बार सुन लीजिए। काफी जो है इसका स्मूथ आपको साउंड मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जो है जरूर बताएं। और चलिए फिर आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।